बच्चों, मेंटल मैथ क्लास 10th, चैप्टर नंबर 10 हम इसमें करने वाले हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आइए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है चलो कदम बढ़ाए। और जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। आइए करना शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह मैंने पहले से क्वेश्चन को लिख के रखा हुआ है, ये देखिए आपके सामने, ठीक है। आई क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द रीजन ए। रीजन ए का हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है और पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये क्या सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का एरिया और पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि रेडियस क्या है, क्योंकि दोनों पेरीमीटर में तो डायमीटर चल सकता है, ठीक है। पेरीमीटर में क्या चल सकता है, डायमीटर चल सकता है। डायमीटर है 14, तो ये क्योंकि ये रेक्टेंगल है और अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो ये 40 है तो ये भी 14 होगी। और रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ से, ठीक है, रेडियस हो जाएगी कितनी, 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। तो ठीक है, इसका नाम हम रख लेते पी क्यू आर एस इस तरीके से। तो ए पी क्या है, 7, ए पी क्या रेडियस है। तो आइए सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल या एरिया ऑफ पार्ट ए ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्ट ए। पार्ट ए क्या है, सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन क्योंकि सेमी सर्कल है तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना। सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ सर्कल, ठीक है। तो देखिए, हाफ पाई की वैल्यू लेनी है आपको 22/7 और रेडियस है बच्चों 7, तो 7 × 7, ठीक है, इस तरीके से। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 से यहाँ पर ये 11, 22 को जब डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 × 7, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों ये एरिया आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए देखो, पेरीमीटर अगर इसका फाइंड आउट करना हो तो ये तो सेमी सर्कल का तो करना ही करना है, साथ ही डायमीटर को उसमें ऐड कर देना बच्चों, ठीक है, तो ये भी उसमें ऐड हो जाएगा। आइए करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर। पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस एक ही बात होती है, पेरीमीटर ऑफ पार्ट ए, ठीक है, ये देखिए। तो पेरीमीटर ऑफ पार्ट ए, तो फॉर्मूला क्या होगा, वैसे तो होता है पाई डी होता है बच्चों, ठीक है, पाई डी होता है, लेकिन क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है और प्लस डी, डी भी इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखो, 1/2 पाई की जगह पाई की वैल्यू लेनी है आपको 22/7 और डायमीटर है बच्चों 14, तो 14 और प्लस 14 इस तरीके से, ठीक है। तो 7 × 2 जा कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 22 + 14 और दोनों को ऐड किया तो 4 × 2 = 6 और 2 × 1 = 3, तो 36 आ गया बच्चों सेंटीमीटर, ये आ गया पेरीमीटर, ठीक है, रीजन ए का, पार्ट ए का, ठीक है, ये वाला पार्ट ए का एरिया भी निकल गया है और इसका पेरीमीटर भी आ गया है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इन द गिवन फिगर जो 11 में है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बी। रीजन बी का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ये देखो, ये रहा फिगर इस बी का, ठीक है। अब बी में से ये सेमी सर्कल कटा हुआ है, यानी ये जो शेडेड पार्ट आप देख रहे हैं, सिर्फ इसी का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। उस रेक्टेंगल के एरिया में से आपको ये सेमी सर्कल का एरिया जो दी आया था ये माइनस कर देना है, तो आपको पार्ट बी का एरिया आ जाएगा, ठीक है। आइए मैं सीधा लिख लेता हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ पार्ट बी या रीजन बी, एरिया ऑफ रीजन बी, ठीक है। तो कैसे क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, ये वाल आपको लगाना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, या आप सीधा लिख सकते हैं क्या कि एरिया ऑफ रीजन ए, ठीक है, माइनस में। अब देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ क्या है बच्चों यहाँ पर ये देखिए, लेंथ है 22, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू
ब्रेथ, ठीक है। और माइनस कर देना है सेमी सर्कल का एरिया जो आया था 77 को, उसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। आपका रीजन बी का एरिया आ जाएगा 14 टू जा 28, कैरी टू 14 टू जा 28 और टू 30, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देना 77, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, ठीक है। और यहाँ पर 0 है, 0 में से 7 माइनस नहीं होंगे, तो यहाँ से बोरो लेंगे 10 में 7 माइनस किया 3 और इधर आ गया 2, ठीक है। तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर, इसको स्क्वायर में लिख देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका आंसर आ गया है। तो अब देखो अब इसमें क्या कहता है, जो थर्ड पार्ट है, देखो थर्ड पार्ट ये रहा इधर, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या कहा है, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज रीजन बी एंड रीजन ए, इनका रेशो फाइंड आउट करना है। तो रीजन बी का जो एरिया है वो 231 है और ए का क्या है 77 है। तो पहले लिखा है रीजन बी, तो रीजन बी का लिखेंगे 237, तो यहाँ पर 237 है, वन है 231 रेशो 77 इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये करना है, अगर ये कटता है तो काट दीजिए, 7 से 7 1 जा 7 7 1 जा 7, और इधर से 7 3 जा 21 और 2 7 3 जा 21, ठीक है। ये आ गया 11 से फिर कर सकते हैं, 11 1 जा 11 11 3 जा 33, ठीक है। तो 3 रेशो 1, ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही ईजी है क्वेश्चन नंबर 14 भी, देखो क्या कहता है, ए पाथ ऑफ विड्थ 50 मीटर इज बिल्ड अराउंड द सर्कुलर पार्क, ये पार्क है और ये पाथ बनाया गया है, ये शेडेड आप पोर्शन देख रहे हैं, ये क्या है पाथ है, ठीक है, रास्ता बनाया गया है। और पार्क की जो रेडियस गिवन है वो 15 मीटर है। फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल C1 और C2, यानी C1 ये पार्क को बोलेंगे और C12 जो है यहाँ पर ये जो बड़ा आएगा, ठीक है ना, सर्कल सी, तो उसको हम बोलेंगे तो C2 को। तो इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। और पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का पेरीमीटर निकाल कर ऐड कर देना है। तो क्योंकि सम लिखा हुआ इसमें, तो सम कर लेते हैं। आइए सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ C1, पेरीमीटर ऑफ C1, ठीक है, सर्कुलर है, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2πr, ठीक है, इस तरीके से। तो 2π की जगह पाई की वैल्यू लिख लीजिए 22/7 और r क्या है 15 है, ये आ गया, ठीक है, ये समझो ये आ गया आपका पेरीमीटर। अब लिखा है कि जो C2 है ना, उसका भी पेरीमीटर फाइंड आउट करना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, 15 तो यहाँ तक है, ठीक है, और 5 मीटर ये है, तो ये कितनी हो गई बच्चों, ये हो गई आपकी कितनी 20 हो गई, ठीक है, 5 मीटर है तो 20 हो गई, तो इसमें रेडियस कितनी लेंगे 20 लेंगे। आइए निकाल लेते हैं पेरीमीटर ऑफ C2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, 2πr, तो 2 की जगह 2 रखना, पाई की जगह पाई की वैल्यू, ठीक है, और रेडियस कितनी हो गई इसमें 20 हो गई, ठीक है। तो ये आ गया, अब इन दोनों का क्या करना, सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सम ऑफ पेरीमीटर, ठीक है, यहाँ पर तो दोनों का सम कर लेते हैं, 2 × 22/7 × 15 और प्लस, ठीक है, 2 × 22/7 × 20, ठीक है, इस तरीके से। तो कॉमन नंबर इसमें आ रहा है ये, तो कॉमन नंबर को बाहर निकाल सकते हैं इस तरीके से, ये देखो, और यहाँ पर क्या बचा 15 बच गया और इधर क्या बचा 20 बच गया इस तरीके से। तो 2 × 22/7 और दोनों को प्लस किया तो आ गया 35 और 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं 35 को, तो 5 पे हो जाएगा, ठीक है। तो 22 × 5 = 110 को जब हम 2 से करेंगे तो 220 आ जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अब इसे पूछा एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ भी आपको निकालना है। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे, आइए मैं इस पेज पर मैं आपको बताऊंगा ताकि फिगर भी आपके सामने रहे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ C1 पार्क का निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी एरिया ऑफ पार्क या C1 निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ पार्क क्या होगा, फॉर्मूला
पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या है बच्चों, पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्या है 15 × 15। ठीक है, इसको अभी मल्टीप्लाई मत करो, समझो यही एरिया आपका आ गया। ठीक है, अच्छा अब निकालना बिग सर्कल का, यानी जो सी टू पार्क है, सी टू सर्कल है उसका, और माइनस कर देना बाद में। ठीक है, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को माइनस कर दे तो पाथ का एरिया बच जाएगा, एरिया ऑफ सी टू। ठीक है, तो फॉर्मूला तो यही होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आपको मालूम ही है 22/7। ठीक है, और रेडियस कितनी है 20 है इसकी, तो 20 × 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें पाथ का एरिया निकालना, तो बिग सर्कल में से क्या करना निकालना है, माइनस कर देना छोटे सर्कल को, यानी पार्क को माइनस कर देना है, यानी पार्क के एरिया को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, तो आइए ये रहा सी टू का एरिया, 20 स्क्वायर में इसमें लगा देता हूँ, या इधर सीधा लिख दो 400। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देना है इसको, पार्क एरिया को, पार्क एरिया 22/7 और 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख लिया है 22/7 और कॉमन नंबर हमने 22/7 निकाल लिया है और यहाँ पर बचा 400 और माइनस 225। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो 22/7 और इनटू का साइन लगाएंगे, 400 में से 225 माइनस करेंगे तो 0 में से 5 माइनस नहीं होंगे, तो बोरो लेंगे 10 में से 5 माइनस किया 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे रह गया 9 में से 2 माइनस किया 7 आ गया, इधर रह गया 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो ये हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इस 175 को 7 से डिवाइड कर देते, तो 7 से 7 टू जा 14, यहाँ पे बच गया 3, 5 35 हो गया, 75 जा 35। ठीक है, ये आ गया। अब 25 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, 25 टू जा 50 होता है, 50 की 0 कैरी 5 और 25 टू जा 50 और 5 55 आ गया बच्चों, ये आ गया बच्चों यहाँ पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।